नमस्कार दोस्तों, भाजपा के 11 केंद्रीय मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार से पहले इन 11 केंद्रीय मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हैं। जी आपको बता दें, मोदी सरकार मंत्रिमंडल में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, लेकिन इस विस्तार से पहले ही कैबिनेट के इन 11 मंत्रियों के अचानक इस्तीफा देने की बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार से ठीक एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से सबसे पहले इस्तीफा लिया गया था। वो राज्यसभा में नेता, सदन और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य के अहम पदों पर भी आसीन थे। हालांकि इस्तीफा लेने के बाद उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। तो जिन 11 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनमें से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल है। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्रालय भी उनके जिम्मे था। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से ठीक पहले फरवरी में उन्होंने बयान दिया था कि कोरोना खत्म हो गया है। इस बयान को लेकर मोदी सरकार लगातार सवालों के घेरे में आई थी। अब इसका खामियाजा हर्षवर्धन को भुगतना पड़ा है। वहीं दूसरे नंबर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। वहीं तीसरे नंबर पर संतोष गंगवार हैं, जो कि केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। अब संतोष गंगवार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के काल के दौरान संतोष गंगवार की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इस चिट्ठी में गंगवार ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की थी। अब इसी से माना जा रहा है कि उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। चौथे नंबर पर राव साहेब दानवे पाटिल हैं। उनके पास केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय थे। पांचवें नंबर पर देवोश्री चौधरी शामिल हैं। देवोश्री चौधरी महिला बाल विकास राज्य मंत्री थे। अब उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। वहीं छठे नंबर पर पश्चिम बंगाल की आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो से भी मंत्रालय पद छीन गया है। आपको बता दें, बाबुल सुप्रियो केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी हार के कारण पार्टी हाईकमान उनसे काफी नाराज चल रही थी। अब इसी का खामियाजा बाबुल सुप्रियो को भुगतना पड़ा है। सातवें नंबर पर सदानंद गौड़ा, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु नॉर्थ सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संसद में पहुंचे थे। सदानंद गौड़ा के पास रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय था। सूत्रों के मुताबिक कोरोना महामारी काल के दौरान दवाओं की कमी को लेकर मोदी सरकार की काफी फजीहत हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनसे भी हाई कमान नाराज चल रहा था, जिसके बाद सदानंद गौड़ा को उसका खामियाजा भुगतने को मिला है। नवे नंबर पर रतन लाल कटारिया। जी आपको दे दें, रतन लाल कटारिया जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। अब उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। कटारिया अंबाला सीट से सांसद थे। सूत्रों की माने तो अब उनकी जगह सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को जगह मिल सकता है। वहीं दसवें नंबर पर प्रताप सारंगी के पास केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय थे। आपको बता दें, सारंगी उड़ीसा के बालासोर से सांसद थे। वहीं 11वें नंबर पर संजय धोत्रे, जो कि महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट से सांसद हैं, उनके पास शिक्षा के साथ साथ प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी था। बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी संजय धोत्रे के काम से खुश नहीं थे। उन्हें संगठन में कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अब ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में 43 नए मंत्री शामिल होंगे।